एक महात्मा थे, बता रहे हैं उज्जैन में कुंभ मेला लगा था, विरक्त मंडली में महात्मा लोग आए थे, सुना रहे थे कि एक महात्मा थे शहर में कहीं आए, अंग्रेजी संस्कृत वगैरह सब पढ़े थे, रूपवान भी थे, अच्छा प्रवचन करते थे, बड़े बड़े अधिकारी बड़े बड़े धनी आदमी प्रभावित हुए। एक मिलिट्री का अफसर था, वो कहा उनसे महाराज एक दिन हमारे यहाँ भी भिक्षा करिए। वो कहे कि ठीक है एक दिन हम आ जाएंगे। मिलिट्री वाले की ड्यूटी लग गई कहीं बाहर की, उसकी लड़की तो जो थी जवान हो रही थी, उसको बंगला मिला हुआ था बड़ा, चहरदीवारी वगैरह सब, गेट वगैरह सब। लड़की से कहा कि महात्मा जी बड़े योग्य हैं, सुंदर हैं, विद्वान हैं, आवेंगे तो तुम सेवा करना तुम। लड़की कही कि ठीक है। मिलिट्री वाले की ड्यूटी लग गई, 5-7 दिन 10 दिन के लिए बाहर चला गया। महात्मा जी संयोग से एक दिन आ गए। लड़की जो है उनका खूब स्वागत किया, खूब खिलाया पिलाया, पलंग पर उनको लेटा दिया, ताला इधर बंद कर दिया कि बाहर से कोई नहीं आएगा। अब पिताजी तो ड्यूटी चले गए बाहर, 10-5 दिन के बाद आएंगे। आकर के उनके साथ में लेटने लगी। महात्मा जी कहे कि तुम दूर लेटो, लेकिन उसकी भावना कुछ खराब हो गई थी। सोची कि महाराज 10-5 दिन रहिए हमारे साथ में सोएंगे रहेंगे, कोई बाहर का आएगा नहीं, हम ताला बंद कर दिए हैं, पिताजी तो हैं ही नहीं। महात्मा जी कहे कि देखो साधु अच्छा वो है जो अपने बच्चे दूसरे को भी बचावे, तुम जो है बगल थोड़ा हट करके तुम लेटो बैठो, हम तुमको सत्संग की बात बताएंगे, तुमको अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे। लेकिन नहीं मानी, उनसे निपटना चाहिए। महात्मा जी वहाँ से उठे, जाके देखते हैं तो गेट बंद है, चहरदीवारी ऊंची है, कैसे जाएं? तो गए लैट्रिन में, और लैट्रिन में गए तो वहाँ कुछ मैला निकला, मलमूत्र, उसको अपने कपड़ों में लगा लिए कहीं कहीं, अब मक्खियाँ लगने लगी, अब कहीं बेड शीट पर कहीं पलंग पर बैठेंगे तो वहाँ भी मैला, जहाँ जहाँ बैठेंगे। तो अब कहती है वो मिलिट्री वाले अफसर की लड़की जो थी, जवान जो थी, युवती हो गई थी, तो मैंने युवावस्था में आ गई थी, तो बोली कि महाराज ये सब क्या कर लिए तुम, कितना पढ़े लिखे हो, कितना सुंदर हो तुम, ये महिला कहाँ से लगा लिए? तो महात्मा जी कहे कि क्या हमको समझते कि हम पढ़े लिखे ही हैं, हम लोग पागल भी हैं, महिला लगा है। मैंने कहा महाराज जहाँ जहाँ बैठोगे सब महिला तो कर दोगे तुम। गेट को खोल दिया, वो निकल गए। महात्मा जी क्या कहे, आज हमारी पढ़ाई लिखाई कुछ काम नहीं की, आज महिला ही हमको बचाया, महिला ही हमको बचाया। महिला समझाने से समझी नहीं, अब महिला देखा तो घृणा हो गई। तो जो विषय भोगों में दोष देखेगा उसको वैराग्य होगा, और जो विषय भोगों में दोष नहीं देखेगा वो फंसेगा। कोई भी शरीर है उसको देखो, हाड़ चाम का बना है, रज बिरज का बना है, मलमूत्र के गगरी है, थूक खार कफनेटा भरा है, ऐसा सोचोगे तो वैराग्य होगा। और यदि सोचोगे कि ये बढ़िया है, बढ़िया होगा तो फंसोगे, मरोगे, जिंदगी भर फंसाव होगा। कोई नाक नहीं जिसमें नेटा ना हो, जीभ कोई जीभ नहीं जिसमें थूक ना हो, पेट कोई पेट नहीं जिसमें मलमूत्र ना भरा हो, कोई मलमूत्र के दरवाजे नहीं है जिससे मलमूत्र ना निकलता हो। ये सब सुंदरता है कहाँ, बना भी है रजबीज से, रजबीज कहीं लग जाए कपड़े में तो देखो कैसा गंदा हो जाता है। तो वही बता रहे कि विषयों में दोष बुद्धि करो, तुम हलवा को रसगुल्ला को खा जाओगे, लेकिन तुम्हारे सामने कोई जहर मिला देता कहोगे आग लगे तुम्हारे रसगुल्ला में, हलवा में हम नहीं खाएंगे। इसी तरह से उसमें खराब देखोगे तो बचोगे, और अच्छा समझोगे तो क्या होगा, फंसोगे। ऐसा जो है तो वही महात्मा जी जो कहे कि हमको आज महिला ही बचाया, हमारा पढ़ना लिखना कुछ काम नहीं, महिला लगा लिए, गेट खोल दिया, हम बाहर निकल आए। तो इस तरह से अच्छा साधु वो है जो अपने बचे दूसरे को भी बचा ले।